नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, गंदे नोट और सिक्के देश की जनता की सेहत बिगाड़ रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अनुसार गंदे नोट और सिक्कों पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके वजह से फूड पॉइजनिंग, स्किन और पेट के इन्फेक्शन की बहुत शिकायतें आ रही है। अथॉरिटी के अनुसार सड़क के किनारे जो भी वेंडर्स होते हैं वो खाने के व्यंजन उन्हीं हाथों से परोसते हैं और उन्हीं हाथों से पैसों का लेन देन करते हैं। इसके चलते नोट और सिक्के जो गंदे हो जाते हैं उसके ऊपर कई प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं। अथॉरिटी ने जो सर्वे किया उसमें 5 प्रकार के मुख्य बैक्टीरिया नोट और सिक्कों में हमारे देश पे पाए गए। बैक्टीरिया ई कोलाई, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस, सेल्मोनेला एंटीटाइडिस, स्टेफाइलोकस ओरियस। सर्वे में ये भी पाया गया है कि हमारे देश में 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के नोटों पे 100% बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिक्कों की तो बात ना करें तो ठीक है। खबर के पीछे की खबर ये है, हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेके तमाम कानून बने हुए हैं। यदि उन कानूनों का ठीक से पालन हो तो ये तमाम बीमारियों से हमारे देश की जनता को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन नगर निकायों के भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये तमाम शिकायतें हमारे देश में बनी रहेगी। हमारे देश में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका कोई हाइजीन इंस्पेक्शन होता नहीं। रेस्टोरेंट्स और बड़े होटलों में भी स्थिति वही है। जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो मात्र उगाई के लिए और हफ्ता लेने के लिए इन जगहों पर जाते हैं। कभी किसी का चलान होता नहीं और नाम के लिए जो चलान होते भी है वो सब कोर्ट से छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं। यदि वाकई ये देश 100% कैशलेस हो गया तो शायद इन बीमारियों से हम छुटकारा पाएंगे। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।